रमजान के महीने के बाद ईद का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में मुसलमानों द्वारा धूमधाम से मनाया जाने वाला ये पर्व ईद उल फितर नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली मुंबई समेत देश भर के विभिन्न मस्जिदों में ईद उल फितर के मौके पर लोग नमाज अदा करते हैं। वहीं मुरादाबाद में ईद उल फितर की नमाज सुबह 9 बजे शहर इमाम मासूम अली साहब ने पढ़ाई। नमाज के बाद हिंदुस्तान के लिए अमन और चैन की तरक्की की दुआ की गई। इमरान भाई, आज यहाँ नमाज पढ़ने आए हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं पहली ईद है जो अपने घर से बाहर मुसाफिर से दूर जहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ, और मैंने चुनाव के दौरान वादा किया था कि मेरा घर है और इंशाल्लाह यहाँ की हर खुशी हर गम में शामिल हूँ। मैं हाजिर हो गया हूँ, ईद की नमाज पढ़ी है। बहुत खूबसूरत मंजर है मुरादाबाद का, ये हिंदुस्तान को मोहब्बतों का एक गहवारा बनाइए, बहुत खूबसूरत सा हिंदुस्तान बनाइए जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा। बहुत अच्छा लगा मुरादाबाद आकर के, और इंशाल्लाह हर त्यौहार में ईद, बकरीद, होली, दिवाली, इमरान प्रतापगढ़ी आपको यहाँ खड़ा मिलेगा। कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी, हम लोग अच्छे कैंडिडेट लड़ाएंगे और विधानसभा पूरी मजबूती से लड़ के जीतेंगे। क्या बात है भाई, अपना काम कमाल। आज ईद का दिन है, क्या मैसेज देना चाहिए? आज 30 रोजे रखने के बाद अल्लाह का ये इनाम है जो रोजदारों के लिए ईद का मुबारक त्यौहार बनाया गया है। मैं सभी देशवासियों, कुछ देशवासियों, खासकर महानगर की आवाम को अपनी और समाजवादी पार्टी की जानिब से ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं, और उम्मीद करता हूं जिस तरीके से खुशगवार मौसम में और सभी ने मिलजुल कर यह नमाज अदा की है, बहुत ही मोहब्बत के साथ यहाँ सभी लोग, सभी धर्मों के लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से हम सभी त्यौहार भाईचारे के साथ, गंगा जमनी तहजीब के साथ मिलजुल कर मनाते हैं, आज ईद का पर्व है, इसे भी सब लोग मिलजुल कर बहुत खूबसूरती के साथ, भाईचारे के साथ मना रहे हैं। और सभी को मैं एक बार फिर अपनी और समाजवादी पार्टी की जानिब से ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ।